एक ग्रेट ब्रेकिंग न्यूज, बहरापन और कान के रोग अब असाध्य रोग नहीं रहे हैं। मात्र कुछ ही घंटों में बिना मशीन बिना ऑपरेशन के सुनने की क्षमताओं को बढ़ाने की सुंदर ट्रीटमेंट आ चुकी है। जो लोग ठीक हो रहे हैं वो अपनी वीडियो आशीर्वाद के दे रहे हैं। देखें और संसार में बताएं, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहरापन को अलविदा कहिए। एक सुविधा दी जाएगी कि फर्क पड़े तो ही पैसे भर के ट्रीटमेंट करवानी है, क्योंकि बहरापन असाध्य रोग में गिना करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि बहरा हमारे पैसे पड़ जाएंगे, क्या होगा उसको बात को भूल जाइए। बहरापन का सचोट इलाज ढूंढ निकाला गया है, हजारों हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, हो गए हैं। वीडियो सब्सक्राइब करें, आगे बताएं और अपने कर्तव्य निभाइए कि बहरापन संसार से कैसे अलविदा हो रहा है। धन्यवाद। कहाँ से? दिल्ली से आए हैं। हाँ, दिल्ली से आए। मैडम, आपको आज ट्रीटमेंट के बाद में कैसा लगा है? पहले से कुछ बेटर लगा है। बहुत बढ़िया, वातावरण अच्छा लगा, आप लोगों का व्यवहार भी अच्छा लगा। ट्रीटमेंट कैसी लगी? ट्रीटमेंट अच्छा है। अभी तो लेफ्ट कान से सुन सकते हैं। बढ़िया से सुन रहा हूँ। जिस काम के लिए आए थे वो काम सफल हुआ ना? हाँ, ठीक है। हमने जो सपोर्ट में मेडिसिन दी है बुलंद आवाज की, और उस सबका उपयोग करिएगा, खूब अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। और क्या कहना है आपको सेंटर के लिए? नहीं, सेंटर के लिए ये कि हमारे मतलब जो है कान की प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो उसके बाद में हम भी किसी को तो रेफर करेंगे, और आप लोगों की सेवा करते रहें। बुलंद आवाज़ वाली दवाई मुझे भी दी है? हाँ, दोनों को दी है। ठीक है, प्रणाम। नमस्ते उषा बेन, कैसी हो? अच्छे। वेरी गुड। सर आपका क्या नाम है? मुकेश भाई, आज कैसा लग रहा है आपको? पत्नी को यहाँ लेके आए थे, आपको कैसा लग रहा है आज? उनको सुनने में दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बोले। मैं तो बस यही कि मुझे सुनने ठीक से सुनाई दे तो खुश। देखिए, अभी सुनाई दे रहा है ना तो हमेशा ही अच्छा होगा। दरवाज़ा खुलने के बाद में चाबी आपके पास में खुला ही रहेगा, आपको दरवाज़ा बंद नहीं करना है, बातें करनी है। कैसा लग रहा? जिंदगी भर याद रखूंगी। जो मुझे सुना देगा तो मैं आपको याद रखूं। अच्छा, सुनाई नहीं। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे हिंदी गाने इसलिए नहीं आते कि पहले सुनती नहीं थी, अब तो सुन सकती हो? तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गाना, अच्छे गीत गाना, अच्छे भजन गाना, और जितनी रीडिंग करोगी, रीडिंग थेरापी करोगी, उतनी ही ज़्यादा जल्दी कान और भाषण, देखो दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए, वाणी और कान दोनों बढ़िया चाहिए बेटा। एक चीज अच्छी होने से नहीं होगा, जिसकी वाणी में मधुरता नहीं है वो क्या करेगा? आपकी वाणी में बहुत मधुरता है, आपने गीत कितना बढ़िया गाया था। तो आपको खुश रहना है। एक तो आपको डिप्रेशन बार बार आता है, आंखें गिली करके बात करती हो, गड़गड़ाहट नहीं करना है। गड़गड़ाओ नहीं हो, थैंक यू साहब। खड़े कर मारे थे, कोई केस फेल तत्व नहीं। मैंने कहा ना सर, आपको कहा था ना 2 घंटे पहले कि आपको 2 घंटे में जीवन बदल दूंगा, तुम मुझे कान दो, मैं नया जीवन दूंगा। तो मैंने सही करके दिखाया ना आपको, अच्छा लग रहा है ना। और आज तो पहला दिन है, 3 महीने बाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सुनिए, मैं आपका आभारी इसलिए हूँ कि आपने नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट होम्योपैथी चिकित्सा को पसंद किया है। मेडिकल में तो सब जाते हैं कान कटवाने के लिए, आपने बिना मशीन बिना ऑपरेशन के कान ठीक करवा लिया, जैसे कोई जादू होता वैसे हो गया। पर जादू नहीं हुआ, इलाज कोई जादू ही नहीं है, ट्रीटमेंट है। ठीक है, खूब खूब धन्यवाद।